Big breaking coming in. Ravindra Jadeja and KL Rahul have been ruled out of the Indian team for the second test match against England. This is big, big news. Now, Ravindra Jadeja sustained a hamstring injury on day 4 of the first test match that India lost against England. Whereas if we talk about KL Rahul, he complained of right quadricep pain. And this has been mentioned in BCCI's official release ahead of the second test match. Animesh, before talking about all other developments before the second टेस्ट मैच, टेल मी हाउ बिग दिस ब्लो इज फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि हम पहला मैच हार चुके हैं. लूजिंग एन ऑलराउंडर लाइक रविंद्र जडेजा इज रियली बिग ब्लो, और खासकर जब वो इतना परफॉर्म कर रहे हों, क्योंकि बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे. उसके बाद जिस तरह से उन्होंने विकेट झटके और पहली इनिंग में जो बल्लेबाजी की, तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत कह सकते हैं कि उसको मुश्किलों में खड़ा कर देगा. और पहले मैच में हैदराबाद में जो हार मिली है टीम इंडिया को, उसके बाद कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि रविंद्र जडेजा उनके लिए की एसेट थे उनको खोना. खैर उनकी चोट थी, उसके बाद केएल राहुल जो मुझे लग रहा है टॉप 7 बैटर्स में ही इज द मोस्ट डिजर्विंग बैटर इन दैट लाइनअप, और उन्होंने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया था टीम इंडिया के लिए पूरे मुकाबले में. और सेकेंड इनिंग में उतनी अच्छी पारी नहीं आई, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना फर्स्ट इनिंग में जो 80+ की जो उनकी इनिंग्स थी वो बहुत बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स थी. आउट गलत तरीके से हुए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जब विराट कोहली आपके साथ नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ विराट कोहली केएल राहुल इज द बेस्ट टू रिप्लेस हिम इन दैट स्क्वाड. लेकिन अब उसके बाद दोनों ही प्लेयर्स का एक साथ चले जाना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है. Absolutely, because these are two key players. You know, when we talk about Indian spinners, there's always a chatter about Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja. And we saw what Jadeja Ashwin did. Now, Jadeja's absence will hurt India in the second test match, not only in front of bowling, but also in batting and fielding. Animesh ne aise bataya, kis tarah se wo tino departments mein kafi zyada acche hai, but this is a big, big blow. On the other side, KL Rahul has been phenomenal in test cricket. You know, when we talk about KL Rahul, everybody talks about, you know, how important he is and how he played in the first innings against England in the first test match. Also explains that his absence in the second test match will hurt India. Now, as replacements, Team India has announced सरफराज खान इन द टीम, सौरभ कुमार एंड वॉशिंगटन सुंदर. वॉशिंगटन सुंदर इंडिया ए टीम में थे, उन्हें वहां से इधर बुलाया गया है. सरफराज खान जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी बिकॉज ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इन अदर टूर्नामेंट्स एज वेल, एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग दैट वाई ही इज इन गिवन थ्री स्पेस. सो नाउ ही इज बीन इंक्लूडेड इन द टीम एंड देन सौरभ कुमार एज वेल. अनिमेश, तीनों प्लेयर्स के बारे में आपका क्या कहना है एंड हाउ दीज प्लेयर्स विल बेनिफिट टीम इंडिया फॉर द सेकेंड टेस्ट? देखिए, फर्स्ट नेम में सरफराज का ही लूंगा, क्योंकि इट्स अ बिग ब्रेकिंग इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर फैंस रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आप पिछले 2-3 साल का ट्विटर ट्रेंड उठाकर देख लीजिए, जब भी टीम इंडिया अनाउंस होती है, स्क्वाड अनाउंस होता है, वहां पर तुरंत सरफराज का नाम ऊपर आके दिखने लगता है कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद भी कोई क्रिकेटर इतने इस तरीके से नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है. और सरफराज वो डिजर्व तो करते हैं प्लेस, लेकिन एक उनके साथ दिक्कत ये रही कि जब भी उनको कहीं ना कहीं स्क्वाड में मौका मिला है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं. आप लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से अपना फर्स्ट क्लास में जो उन्होंने ग्रो किया है और अपने आप को जिस तरह से कंसिस्टेंट रखा है एज एन बैटर, और खासकर टेस्ट क्रिकेट में, तो वो मेरे हिसाब से अब देखने की बात होगी. और क्योंकि जिस तरह से अभी बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, कोहली अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, केएल राहुल नहीं होंगे, तो यहाँ पर स्क्वाड में भी आपको जगह मिल सकती है. और जिस तरह से कहीं ना कहीं जो आपका बैटिंग लाइनअप है वहां पर भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे, शुभमन गिल भी आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल, तो यहाँ पर एक मौका बनता है सरफराज के लिए टीम में रिप्लेसमेंट की तरह आना, लेकिन अपना एक चांस क्रिएट करना कि वो प्लेइंग 11 में भी खेल सकते हैं. लेकिन अब मेरे लिए देखना ये होगा कि वो जो अगर ये जगह ले लेते हैं उसके बाद उनको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि हाउ ही परफॉर्म्स इन द मैच, वो कन्वर्ट करने में अभी तक तो नाकाम रहे. जब भी उनको मौका मिला है वो कन्वर्जन रेट उनका काफी खराब रहा है, जब भी उनको प्लेइंग 11 में जगह मिली है. अब इस लिस्ट में दूसरा नाम है वॉशिंगटन सुंदर, उनकी काबिलियत से तो हम बिल्कुल वाकिफ हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि जडेजा के रिप्लेसमेंट की तरह वॉशिंगटन सुंदर को देखा जाना चाहिए, पर युवा खिलाड़ी हैं, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं एग्जैक्टली इन माय ओपिनियन, और वो जिस तरीके से गेम को बदलने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते. अगर मान लीजिए उनका इकोनॉमी रेट खराब भी जा रहा है, बहुत ज्यादा उन पर छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, लेकिन वो निराश नहीं होता, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं. और हैदराबाद टेस्ट में हमने यही मिस किया कि बॉलर्स कहीं ना कहीं जो लाइन से भटक, हाँ बिल्कुल लाइन से भटके, और कहीं ना कहीं कुछ नया ट्राई करने में उन्होंने बहुत ज्यादा समय लगा दिया. True. तो वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को वहीं वो बैकफुट पे लेके गया था. और मेरे हिसाब से ये काम करने में वॉशिंगटन सुंदर बहुत महत्व हासिल रखते हैं.
अब इसके बाद जो तीसरा नाम है वो बड़ा नाम है, ऐसा नहीं है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बड़ा नाम बन चुके हैं बहुत लंबे समय से, इंडिया ए का हिस्सा रहे थे पिछली बार, सौरभ कुमार, और अपनी फिरकी के जादू चलाने में बहुत माहिर हैं। उनका नाम मैं ये बताना चाहूँगा, जब बांग्लादेश के साथ इंडिया ए का मैच हुआ था वहाँ पर इस स्पिनर ने 6 विकेट झटके थे, तब से इनका नाम बूम हुआ था और इंडिया ए के साथ काफी बार जुड़ चुके हैं और डोमेस्टिक में बहुत अच्छे उनके बॉलिंग रिकॉर्ड्स हैं। और बैट से भी मतलब जैसे अश्विन एक बैट से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो काबिलियत भी सौरभ के पास कैपेबिलिटी है, तो अच्छा खासा एवरेज है 27 का, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सौरभ भी एक की रोल निभाएंगे। और लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा सौरभ एज एन टीम के साथ जुड़ तो रहे हैं लेकिन कुलदीप की मौजूदगी में उनके जगह बना पाना बहुत मुश्किल होगा। नाउ ऑब्वियसली दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ बिकॉज नोबडी नोज व्हाट प्लेइंग 11 टीम इंडिया विल अनाउंस अहेड ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच, बिकॉज नाउ दे हैव अनाउंस्ड 3 प्लेयर्स, दे हैव अनाउंस्ड सरफराज, सौरभ एंड वॉशिंगटन, बट विल दीज 3 प्लेयर्स गेट अ चांस इन द 11? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज राइट नाउ वी हैव 2 स्पॉट्स टू फिल। KL राहुल एंड जडेजा वर देयर इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, नाउ हु विल fill their place in the 11? We don't have Virat Kohli, which means that this team will have to think about the players in their 11. So this is going to be really very tough for Team India, and especially when we have lost the first test match, because pehle test match ke haarne ke baad aapko jab dusre test match mein jana hota hai tab aapko aur cheeze dhyan mein rakhni hoti hain, and especially Indian conditions hain to spinners ka role bhi bahut इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बहुत मैटर करता है। तो देखना होगा कौन से प्लेयर्स होंगे 11 में, बट दिस इज बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज दैट जडेजा एंड KL राहुल हैव बीन रूल्ड आउट ऑफ द इंडियन टीम फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच। बट लेट मी टेल यू दैट इन इंडिया ए टीम सारांश जैन हैज बीन इंक्लूडेड बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया ए टू द मेन टीम फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच। Also, we have an update about Avesh Khan. Avesh Khan will continue to play Ranji Trophy with his team Madhya Pradesh, and he will play and he can be called to the team whenever needed. So these were the important updates. I'll give you a summary once again that Jadeja and Rahul have been ruled out. 3 players have been included, Sarfaraz, Saurabh and Washington. Saransh Jain has been included in India A team, and Avesh Khan will continue to play Ranji Trophy with his team and can be called back in the team whenever needed. So that's it for now. We will have a detailed discussion on cricket next in the evening in live show. Do stay connected with us and we will see you there.